अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना होस्ट बाबा जी। सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान को लेकर के पंजाब हेरिटेज दास्तान को लेकर आज मैं पहुंचा हूं एक बहुत तारीखी जगह के ऊपर। और ये है एक ऐसी जगह जिसको कि अनफॉरगेटेबल, स्पेशली जो है 1947 से पहले तहसील बटाला के साथ एक जो सबसे ज़्यादा मशहूर तहसील जो थी वो थी तहसील शकरगढ़, तहसील शकरगढ़ और फिर उसके साथ थी तहसील नारोवाल। ये दो तहसील जो थी जो प्री पार्टीशन जो थी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के अंदर आती थी। गुरदासपुर जो है यहाँ से जो है वो साउथ ईस्ट साइड पे आता है। अगर कुछ थोड़ा सा मैं जिक्र करता चलूँ बॉलीवुड के हवाले से, बॉलीवुड के हवाले से अगर आप देखें तो एक चमकता हुआ सितारा जिसका नाम था देव आनंद। जी हाँ, देव आनंद यहाँ पर, यही जो बाज़ार जिसके अंदर मैं चल रहा हूँ, 1923 राधा का नाम जी 26 सितंबर और 1923 के अंदर जो है देव आनंद जो है इस बाज़ार में डाक खाने वाला जो जगह मौजूद है इसके करीब ही 1923 में वो पैदा हुए। ये है शकरगढ़, शकरगढ़ का मेन ओल्ड बाज़ार जो प्री पार्टीशन जो बाज़ार हुआ करता था, मैं उसकी सबलट के अंदर हूँ इस वक्त। और यहाँ पे पैदा होता है वो स्टार जो कि बॉलीवुड पर जाके छा जाता है जिसका नाम था देव आनंद। और 26 सितंबर 1923 को यहाँ पे पैदा होते हैं और उसके बाद 1940 में पहुँच जाते हैं वो बॉम्बे। बॉम्बे में जाके अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ करते हैं लेकिन कोई कुछ खास सामने नहीं आता। लेकिन 1948 के अंदर फिल्म रिलीज़ होती है ज़िद्दी। ज़िद्दी से लोगों की निगाह में आता है एक खूबसूरत दुबला पतला सा जवान जिसने माथे के आगे बाल गिराए हुए और एक खूबसूरत नक्श वाला, बड़े धीमे लहजे में बोलने वाला एक जवान जो फिल्म इंडस्ट्री में सामने आता है, उसका नाम था देव आनंद। स्टार्टअप तो लिया उन्होंने ज़िद्दी फिल्म से, लेकिन सितारा चमका उनका फिल्म गाइड से। गाइड के बाद किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़ी कि देव आनंद कौन था। सौ की तादाद में बना कर फिल्में जो हैं अरूज पाने वाले देव आनंद जो थे इन्हीं गलियों में पैदा होने वाले हैं, जो कि 1923 में पैदा होकर 1940 में जो कि अब मुकम्मल तौर पे पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से होते हुए बॉम्बे और फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर समझ लें कि राज करने वाला वो जवान, खूबसूरत जवान जो है वो इन्हीं गलियों की पैदावार था। 88 साल की उम्र में 3 दिसंबर 1911 को जहाने फानी से कूच कर जाते हैं और यूं बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री का एक चैप्टर जो है वो क्लोज होता है। जी हाँ, 88 साल की उम्र में देव आनंद जो इन गलियों में पैदा होने वाला, अखंड भारत के अंदर या ब्रिटिश राज के अंदर जो अखंड पंजाब था उसके अंदर पैदा होने वाला जवान जो है वो फाल्के हकीकत को जाके मिल जाता है। मैं हूँ आपका अपना होस्ट बाबा जी और आप देख रहे हैं बर्थ प्लेस ऑफ अ देव आनंद और तहसील शकरगढ़, ओल्ड तहसील ऑफ गुरदासपुर और नियरेस्ट सिटी जो था वो बटाला था यहाँ से। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पे जो इस बाज़ार में है मुझे कोई अभी तक जो घर जो है वो पुराना नहीं मिल रहा जो कि प्री पार्टीशन हो, लेकिन ये एक ड्यूड़ी और एक आहाता जो मुझे वो नज़र आ रहा है जो कि डॉट्स नज़र आ रही हैं 1947। मैं हूं आपका अपना होस्ट बाबा जी और आप देख रहे हैं इन सिस्टर्स विलेज ऑफ लेट फिल्म स्टार देव आनंद। और आज मौजूद हूं मैं सिटी शकरगढ़ के अंदर। तो देखते रहिए पंजाब हेरिटेज दास्तान।
कहाँ की मिट्टी कहाँ के जाके खाक होती है, कहाँ से एक इंसान का पैदाइश होती है, कहाँ से एक इंसान का जन्म होता है और जाके वो कहाँ पर ख़त्म होता है। बहुत सारी अच्छी यादों के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट बाबा जी और आप देख रहे हैं पंजाब हेरिटेज दास्तान और सेफ हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। तो देखते रहिए।